बात करेंगे मंडला में ईद मिलादुन्नबी पर रैली के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराने के मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के लोग सामने आए। दरअसल कोतवाली थाने पहुंचकर उन्होंने इसका घेराव किया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और इस दौरान झंडा लहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी की गई और साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी यहां पर मांग की गई। और फिलिस्तीनी झंडा लहराने का ये मामला निश्चित रूप से काफी गंभीर मामला है। एक देश में किसी दूसरे देश का झंडा यदि कोई इस तरह से लहराए इन परिस्थितियों में तो ये देशद्रोह के दायरे में आता है और इस पूरे मामले पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने का विषय होगा। दरअसल कुछ संगठन के कार्यकर्ता जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, उनकी गिरफ्तारी किए जाने की उन्होंने मांग की। दरअसल मौका था ईद उल मिलादुन्नबी का, जिसमें ईद का उत्सव, ईद का उल्लास तो क्या फिलिस्तीनी झंडे के लहराने का ज़्यादा जोश दिखाई दिया वहाँ उस कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम को लेकर इस तरह से फिलिस्तीनी झंडे को खुलेआम भारत में मध्य प्रदेश की सड़कों पर लहराना, इस विषय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की उनकी मांग। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक तरफ जहां ईद उल मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा है और पुलिस की मौजूदगी में ये झंडे लहराए जा रहे हैं। पहले झंडे लहराए गए और उसके बाद इस बात पर एतराज करने वाले कुछ संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और अपना ज्ञापन देकर उन्होंने इस बात पर एतराज़ जताया और इस मामले में इस तरह के झंडे लहराने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। और फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने का जो ये पूरा मामला है अब विवाद का कारण बन सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से एक्शन लेती है ये भी देखने का विषय होगा। मौका था ईद उल मिलादुन्नबी के जुलूस का और यहाँ पर फिलिस्तीनी झंडों को लहराते तस्वीरें सामने आई। झंडे ये जो निकाले जा रहे हैं एक समुदाय विशेष के हैं, वो करें अपना त्यौहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी विधिवत जांच हो, यही सब ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी विधिवत जांच हो। आज मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक जुलूस निकाला गया था तो ये बात सामने आई कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके कोई ऐसी उन्होंने नारेबाजी की जिससे कि दोनों धर्मों के बीच व्यवस्था हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन पे जो धारा के अंतर्गत जो भी अपराध पंजीकृत करना है वो करने के बाद उसमें हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और उधर बालाघाट और रतलाम में भी धार्मिक जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। बालाघाट शहर में कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडों को लहराए जाने का मामला सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद से कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रतलाम में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया और इस दौरान यहां भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर बालाघाट और रतलाम में जुलूस निकाला गया और फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग शामिल रहे और इस तस्वीर के सामने आने के बाद से इनका विरोध किया गया है। थाने में कुछ युवकों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। मंदसौर में पत्थर फेंकने की घटना के बाद महाआरती की गई। बड़े बालाजी मंदिर में की गई महाआरती। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंका गया था। महाआरती में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए थे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने का ये मामला मंदसौर से सामने आया, जहां घटना के बाद महाआरती की गई और बड़े बालाजी मंदिर में ये महाआरती आयोजित की गई। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने का ये पूरा मामला और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पर पथराव किया गया और विरोध में जुटे लोगों ने एकत्रित होकर महाआरती का आयोजन किया और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और इस पूरे मामले में धार्मिक जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी भी देखने का विषय होगा।